हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो टेक्निकल कुमार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैटेलाइट्स के बारे में और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसे प्लेस किया जाता है धरती के ऑर्बिट में। इन्हें दरअसल कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ताकि इनको डिस्टिंग्विश कर सके नेचुरल सैटेलाइट से, जैसे कि मून। सन 1957 में सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के तरफ से, जिसका नाम रखा स्पुटनिक 1। तब से लेके अब तक 40 से ज़्यादा देशों ने अब तक लगभग 6,600 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। 2013 के स्टडी से पता चलता है कि 3,600 सैटेलाइट्स अभी भी ऑर्बिट में हैं। उनमें से 1,000 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं, बाकी के स्पेस डेब्रिस बन गए हैं। लगभग 500 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स रहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के एरिया में, यानी धरती के सतह से 2,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। कुछ बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, और ऑर्बिट में जाने के बाद उनको असेंबल किया जाता है। कुछ सैटेलाइट्स को रखा जाता है दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर, जैसे कि मून, मर्क्यूरी, वर्नस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और कुछ एस्ट्रॉइड्स पर और सूरज पर, ताकि उन पर रिसर्च चल सके। सैटेलाइट्स को कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मिलिट्री और सिविलियन। सैटेलाइट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप्स। स्पेस स्टेशन और ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को भी सैटेलाइट्स में ही मिलाया जाता है। सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है रॉकेट के इस्तेमाल से, जिसे लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। इन्हें कई सारे तरह से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे लॉन्च पैड के इस्तेमाल से धरती पर किया जाता है, और समुंदर में सबमरीन या फिर मोबाइल मैरिटाइम प्लेटफॉर्म के तरह इस्तेमाल से। सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम से, और सैटेलाइट्स के सब सिस्टम्स को कई सारे टास्क दिया जाता है, जैसे कि पावर जनरेशन, थर्मल कंट्रोल, टेलीमेट्री, एटीट्यूड कंट्रोल और ऑर्बिट कंट्रोल का। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के बारे में। इनको यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स के बारे में। इनको यूज़ किया जाता है प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को और आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्वेट करने के लिए। दूसरा है बायोसैटेलाइट, जिसे डिज़ाइन किया गया है। दूसरा है बायोसैटेलाइट जिन्हें डिज़ाइन किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेस में लेके जाने के लिए और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। तीसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिन्हें यूज़ किया जाता है टेली कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है मिलिट्री यूजेस के लिए। नेविगेशन सैटेलाइट्स रेडियो टाइम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जिसे हमें अपना लोकेशन पता चलता है। और आखिरी है वेदर सैटेलाइट, जिसे इस्तेमाल किया जाता है धरती के वेदर और क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं। सैटेलाइट्स कम्युनिकेट करते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल्स को सेंड करने के लिए एंटीनास को, जो धरती पर रहते हैं। वो एंटीनास कैप्चर करते हैं सिग्नल्स को जो आ रहे हैं सैटेलाइट से, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जो सिग्नल से आ रहा है। इन्फॉर्मेशन जैसे कि साइंटिफिक डेटा, मतलब पिक्चर्स जो सैटेलाइट्स ने निकाला है, और सैटेलाइट कैसा है अभी, और सैटेलाइट कौन से लोकेशन पे है, ये सब इन्फॉर्मेशन वो भेजता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सैटेलाइट्स के बारे में जानकारी मिल गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।